नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। आज मैं राजधानी मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर गोसाईगंज के पास मौजूद हूँ। गोसाईगंज के पास बगल में जो है, ये जो है सदरपुर करोरा बोलते हैं, प्रधानी लगती है, सदरपुर करोरा जो प्रधानी लगती है। तो यहाँ पर जो है निगुलवीर बाबा का बहुत ही विशाल मंदिर बना हुआ, बहुत ही पुराना भव्य स्थान है। तो यहाँ पर जो है आपको दिखा घुमा करके निगुलवीर बाबा का जो है मंदिर बना हुआ है, इसकी एक ट्रस्ट बन गई है। तो पहले यहाँ पुजारी हुआ करते थे। तो माता जी, आप ये बताइए, आपका नाम क्या है? ननकई। अच्छा ननकई जी, ये जो मंदिर बना हुआ है, इसके पहले पुजारी कौन थे? पुजारी तो यही बाबा का। कौन बाबा का, नाम क्या है? ननकाऊ बाबा। ननकाऊ बाबा के क्या लड़का है? कौन कौन है? नंदकिशोर। हाँ, अनिल नंदकिशोर। अच्छा दादाजी, आपकी दादी, आपकी उम्र करीब करीब कितनी होगी? 70 के आसपास। ठीक है, ये बहुत ही बुजुर्ग महिला है। इनका कहना है कि जो यहाँ मंदिर था, तो मंदिर के पुजारी पूजा करते थे, उनके जो है दो लड़के हैं, अनिल कुमार और नंदकिशोर। तो ये मंदिर में पूजा करते थे, पिताजी भी यहीं पर जो पूजा करते थे, और ये बच्चे भी रहते थे, तब से यहाँ पर जो है रहते हैं। झुग्गी झोपड़ी बना करके कैसे दिखा जाते हैं, ये झुग्गी झोपड़ी जो है उन्हीं के हैं, रहते थे। तो आप बेटा, आप क्या नाम है? अनिल कुमार। आपका नाम अनिल कुमार है? आपके पिताजी का नाम? ननकाऊ राम बाबा। तो आपके पिताजी यहाँ पर जो है पूजा पाठ करते थे। तो कितने दिनों से पूजा पाठ करते थे, आपकी जानकारी है? ये हमारी जानकारी में कम से कम नहीं 20-22 साल थे जिंदा, जो 2008-09 में ख़त्म हुए थे। 9 में ख़त्म हुए हैं, उसके पहले कितने दिन पूजा कर रहे थे? वो तो हम जो पैदा हुए हमसे पहले से। अरे करीब सुना तो होगा, कितने जैसे दादी ने बताया, 55 साल के आसपास जो है हो गए हैं पूजा करते हुए। सबसे पिता यही रहते होंगे? ठीक है, यही रहते थे ना जी। तो यानी कि कहने का विचार ये है कि 60-65 साल से यहाँ पर जो है झुग्गी झोपड़ी बना के रहते थे, और यहीं पर जो है मंदिर में पूजा पाठ करते थे। ये बहुत ही मशहूर निगुला वीर बाबा का मंदिर है। अब जो है यहाँ पर रहते थे, तो उसके बाद यहाँ पर ट्रस्ट बन गई है। तो ट्रस्ट बनने का कारण ही यही था कि किसी तरीके से जो है यहाँ बेशकीमती जमीन है, उस जमीन को कब्जाने के लिए, हथियाने के लिए एक ट्रस्ट बनाया है, और जो पुजारी है पुजारी बच्चों को सबसे अलग कर दिया है। अब आप लोग पूजा पाठ करते नहीं है, कौन करता है? सेवा सत्कार करके जो हम लोग सेवा सत्कार करते हैं, कि है अब पूजा कोई और करता है, ट्रस्ट बन गया, पूजा कोई और करता है, तो करते हैं। तो यह 2014 में इन जो है दोनों भाइयों को जो है यहाँ पर जो है आवास बनाने की जमीन मिली थी। तो जमीन मिली तो बेचारे यहाँ पर जो है आवास बनाए थे। तो ये जो मकान है, यहाँ पर जो है मकान बनाया था, पता ये बताइए जो है इसे कौन सा आवास आपको मिला था? ये मुख्यमंत्री आवास 1,20,000 की जो है, 1,20,000 कैलोरिया को मिली थी। पहले किस्त आपने बनवाया था? जी 40,000 रुपया। 40,000 रुपया आज से बनवाया था। तो करीब करीब कितनी फीट ऊंची दीवारें थी? 4.5 फीट ऊंची थी दीवार। 4.5 फीट ऊंची दीवार थी, जिसको प्रशासन ने ढहा दिया है। तो कहना ये चाहते हैं कि जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आवास देते हैं, आवास बनवाते हैं, और यहाँ तक कि जो 55 साल से जो काबिज है वो खुद उस जगह का स्वामी हो जाता, मालिक हो जाता है, लेकिन अधिकारियों कर्मचारियों की और जो है भूमाफियाओं की, हम तो यही कहेंगे कि भूमाफियाओं की मिली भगत से इन गरीब का आशियाना उजाड़ा गया है, बुलडोजर चलाया गया है। ये गलत हुआ है, बुलडोजर चलाया गया है। अच्छा, ये आशियाना ढाया गया, और कौन कौन आशिया ढाया गया है? बगल में, आगे बगल में। अच्छा, आज सभी लोग इसी गाँव के निवासी हो? तो आज लोग जो है भाई उम्र जरूर कम है, लेकिन जब से आप लोग पैदा हुए तब से ये लोग यहीं पर रह रहे थे? नहीं रह रहे, सब लोग रह रहे थे। हमारे बगल बहुत लोग थे दादाजी, आप आइए। नहीं, मंदिर नहीं बना रहा, ये छोटा कच्चा बना था मंदिर। जब मंदिर का निर्माण हो तो कच्चा बना था, तब से जो है रह रहे हैं ये लोग। जंगल रात को 5 बजे के बाद कोई नहीं आता, जंगल था, पौधा ही। और एक बहुत बड़ी बात आ जाता हूँ, जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वृक्ष लगवाते, पेड़ लगवाने का अभियान जारी किया, छोटे छोटे जो दरख्त लगे हुए हैं,
आज विशालकाय है, ये उन्हीं पुजारी बाबा की ही देन है जिनके माध्यम से पेड़ लगाए गए हैं, लेकिन आज उन्हीं को, उन्हीं के बच्चों को हटाया जा रहा है। ये जो है यहाँ के ग्राम प्रधान और चेयरमैन, ये जो मंदिर के ट्रस्ट है, ट्रस्ट के जो भूमाफिया है, वो लोग ये करोड़ों की जमीन के, ये यहाँ जो जमीन है कितने बंजर जमीन है, कितने बीघे बंजर है, 27-28 बीघे बंजर है, 696 घाटा संख्या, 696 घाटा संख्या है। इस जमीन को कब्जाने के लिए गरीब को उजाड़ना चाहते हैं और स्वयं इस जमीन को हथियारना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पर भी जो है इसको भी ढहाया है। ये पुलिस प्रशासन और राजस्व प्रशासन को गुमराह करके यहाँ के प्रधान और जो है चेयरमैन लेखपाल गुमराह करके जो है ढहाना चाहते हैं। मैं ये कहता हूँ 55 साल से काबिजों को क्यों हटाया गया, 55 साल से काबिज लोगों को, पुजारी को क्यों हटाया गया, उनके बच्चों को क्यों हटाया गया, जब ये प्रशासन को संज्ञान नहीं लेना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक बात पहुँचाना चाहते हैं कि 55 साल से काबिज इस पुजारी के पुत्रों को क्यों हटाया जा, क्यों ढहाया जा रहा है, जबकि पट्टा की जमीन पर कब्जा कर रहे थे और जो है उनका कहना है लेखपाल का और एसडीएम का, हमने एसडीएम से बात की है, एसडीएम कहना है कि जिस जगह पर पट्टा हो उसे पर काबिज नहीं है, तो 55 साल से जो यहाँ पर काबिज थे तो पट्टा कहाँ का हुआ है, पट्टा तो यही का होना चाहिए था। ये अधिकारी कर्मचारियों जो गलती की है कि जो है जहाँ पर काबिज वहाँ पर पट्टा ले जाकर के अलग किया तो भी गलत किया है, इनको यहीं पर कब्जा दिलाना चाहिए। अब देख रहे यही कि हमारी खबर को संज्ञान में रहकर के शासन प्रशासन किस तरीके से जो है इन गरीबों को न्याय दिलाता है। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, वीडियो जर्नलिस्ट आर शर्मा के साथ बाराबंकी लखनऊ।